Hi everyone, I am Narayan from Saraswat International Academy of Physics. Today I am showing JSLT for chapter 9, coordination compound, means complex compound. Coordination compound chala, aaj part 3 mein hum is chapter ko aage badha rahe hain, jisme hum nomenclature plus Wallner theory and kuch general information par hamara discussion chalega. To first of all hum Wallner theory aur inke about jayenge. Wallner theory ke baad हम वापस से नॉर्मल क्लेचर जैसा पार्ट टू में हमने नॉर्मल क्लेचर कराया, जहाँ पर हमने ये क्लियर किया आपको कि कुछ कंपाउंड है जहाँ पर नेम दिया फॉर्मूला और कुछ फॉर्मूले के नेम राइट करना है. लेकिन आज इस पार्ट में पहले स्टार्टिंग में हम वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे, पूरे पॉइंट टू में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन आता हूँ नॉर्मल क्लेचर जिसमें इंडेक्स इंक्लूड होगा और जनरल इंफॉर्मेशन होगी. सो स्टार्ट करते हैं इसमें. Warner theory coordination compound. Warner theory of coordination compound. So Warner theory of coordination compound का meaning यहाँ पर क्या है? मैं आपको बता दूँ. 1866 ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किया. तो इन कंपाउंड का फॉर्मेशन जो किया इन्होंने कोबाल्ट ब्रोमाइड और अमोनिया को लेकर किया, राइट? उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया. तो साइंटिस्ट वार्नर प्रिपेयर मेनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. मेनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन लेबोरेटरी. तो साइंटिस्ट वार्नर प्रिपेयर मेनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन लेबोरेटरी and explain its physical and chemical properties. Its physical and chemical properties by theory. सो साइंटिस्ट वार्नर ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर करके उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए, और उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया उसमें वो कोबाल्ट और अमोनिया से, इनका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कोबाल्ट और अमोनिया को लेकर बनाया गया. सो साइंटिस्ट वार्नर अल्फ्रेड वार्नर प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स coordination coordination compound, complex of coordination compound by reaction between coal chloride and अमोनिया ऐड किया एक्वस सॉल्यूशन में. कॉम्प्लेक्स बना CO NH3 का होल 6 CO3. इसमें अगर हम इसमें प्रेसिपिटेशन कराना चाहें तो हमें जो 3 Ag जो कंज्यूम होगा, 3 mol Ag कंज्यूम होगा, कन्वर्ट होगा 3 AgCl दैट फॉर्म PBT प्रेसिपिटेट. तो 3 mol Ag से का प्रेसिपिटेट होगा, ये बता रहा है कि इसमें कॉम्प्लेक्स 3 mol है,
means all three chloride get converted in counter ion. Now similarly, अगर हम यहाँ पर write कर रहे हैं COCl3 and हमने ammonia solution कराया है और compound form हुआ CO NH3 compound 5Cl and Cl2. Observation से find out किया गया कि now 2 mole CO get consuming formation of precipitate. So that's clear है कि यहाँ पर जो points हैं अब PPT के form में बता रहा है वो AgCl है and now 2 moles है. So that's clear है यहाँ पर color में भी different आ रहा है like this one is and this one is and similar. Now COCl3 react to the 4 molar ammonia. Precipitation के लिए 1 Ag की requirement होगी 1 mole Ag NH3 का mole 4 Cl2 Cl2 and Cl. So यहाँ for 1 mole Ag लगा और पर था green का. So Ag 1 consume होगा और थोड़ा होगा AgCl. So AgCl के जो precipitate बने मोल बने उनके बेस पर हम यहाँ पे उनके फॉर्मूले डिटरमाइन करते हैं. तो साइंटिस्ट अल्फ्रेड वर्नर ने बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाए बाय टेकिंग इन डिफरेंट रेशियो ऑफ द अमोनिया एंड क्लोराइड और उनके कलर उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की एंड परफेक्ट रिलेशन को बाय कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया. इन कॉन्सेप्ट को इन थ्योरी को ही वर्ड देते हैं वर्नर थ्योरी. सो आते हैं पॉइंट को. According to Alfred Wallner, metal ion in complex compound act as a metal ion in complex compound possesses two type of valence. One is called climbing valence and second is called secondary valence. तो एक climbing valence हो गया और दूसरा secondary valence. तो प्राइमरी वैलेंस है सेकेंडरी वैलेंस. अब एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको. प्राइमरी वैलेंस जो मेटल आयन होती है जिससे मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐड कर दिया शुरू NaCl और 4-2-. यहाँ पर निकल का ऑप्शन नंबर 2 है. निकल जो दो इलेक्ट्रॉन इस मेटल आयन को दे रहा है वो उसकी प्राइमरी वैलेंस ही है और लिगेंड्स जो पेयर इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो सेकेंडरी वैलेंस ही है. तो इसके बेस पर पॉइंट में बताना है कि एक प्राइमरी वैलेंस इट इज आयनाइजेबल इन नेचर. तो स्टूडेंट जो प्राइमरी वैलेंस है मेटल आयन की वो आयनाइजेबल है क्योंकि ये वाटर में आयनाइज हो जाता है बॉन्ड बनाता है आयनिक बॉडी होती है. प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल आयन इज बिकम इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर. प्राइमरी वैलेंसी मेटल आयन फाइव बाय नेगेटिव आयन्स. तो अबाउट द प्राइमरी वैलेंसी थ्री कॉन्सेप्ट है कि प्राइमरी वैलेंसी अनलाइजेबल है. प्राइमरी वैलेंसी विल बिकम इक्वल टू द ऑक्सीजन नंबर ऑफ मेटल आयन राइट. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
metal ion. For carrying energy for satisfying pressure on negative ions. And second thing about negative energy. So सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें आपको तो सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल आयन विल बिकम इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल. सेकंड पॉइंट सारे कॉन्सेप्ट में डिटेल्स कर लिया हूं. प्राइमरी का अबाउट लिख दिया. सेकेंडरी इट इज नॉन आयनाइजेबल इन नेचर और इट इज नॉन आयनाइजेबल इन नेचर एंड it is satisfied by negative and neutral ligands and for secondary valency of metal ion secondary valency of मेटल आयन पॉसेस डायरेक्शनल नेचर. सो कॉम्प्लेक्स हैविंग अ डेफिनाइट ज्योमेट्री and hybridization. Next, so हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट वर्णन थ्योरी. वर्णन थ्योरी क्या होता है? साइंटिस्ट सल्फेट वर्णन में 1866 to 1919 के बिटवीन इन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर किया. लैब में प्रिपेयर करने के बाद उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और बॉन्डिंग को इन्होंने एक्सप्लेन किया. इन एक्सप्लेनेशन को एक वर्ड देते हैं वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इन्होंने जिन दो कंपाउंड को बनाया इन सारे कंपाउंड्स को बाय टेकिंग टू कंपाउंड कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया. इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में मर्ज किया. मर्ज करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट किया कि ये जो कंपाउंड्स हैं और इन कंपाउंड्स के जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ बॉन्डिंग बॉन्ड. राइट. सो देन आफ्टर अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि इन्होंने कौन सा क्या दिया. इन्होंने बताया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मेटल आयन होता है उसके पास दो टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. बस हमें ये बताना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के अबाउट सारी इन्फॉर्मेशन. सो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है स्टूडेंट वो आयनाइजेबल होती है और ये सेटिस्फाइड होती है बाई निगेटिव आयंस और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है मेटल आयन की वो भी होती है किसके इक्वल विल बिकम इक्वल टू द व्हाट इज दिस विल बिकम इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर. ये ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है. सो ये पॉइंट्स हो गया हमारा. अब सेकेंड में जाएंगे सेकेंडरी वैलेंसी. तो सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल आयन क्या होता है विल बिकम इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल. ये कोऑर्डिनेशन नंबर के मेटल के आयन के इक्वल होती है. मतलब जितनी कोऑर्डिनेशन नंबर है उसकी उतनी सेकेंडरी वैलेंसी. सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनती है. तो ये नॉन आयनाइजेबल है. राइट. ये कैसा है? नॉन आयनाइजेबल है. क्लियर. एंड ये सेटिस्फाई कौन करता है? नेगेटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड्स. सेकेंडरी वैलेंसी फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स. So it is possess what kind of electron? Now possess directional nature. And due to the directional nature, it possesses a definite geometry and also hybridization, isomerism in compounds.
तो ये आइसोमेरिज्म जो आइसोमेरिज्म है, हाइब्रिडाइजेशन है, और ये दोनों कैरेक्टर कंपाउंड के डायरेक्शनल बॉन्ड पर डिपेंड करते हैं। अगर बॉन्ड डायरेक्शनल है तो दैट्स क्लियर है कि कंपाउंड कैसी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, कैसी प्रॉपर्टी दिखाएगा स्टूडेंट, मतलब हाइब्रिडाइजेशन आइसोमेरिज्म उसके मेन कैरेक्टर डोमिनेट हो गया। क्लियर? अगर कंपाउंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज रखता है तो ये सारे कैरेक्टर आएंगे, अदरवाइज नहीं। तो बात करते हैं यहाँ पर, ये हो गया वर्नर थ्योरी। सो वर्नर थ्योरी के बाद हम छोटे पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। इन छोटे पॉइंट में अब कॉम्प्लेक्स का मेन पॉइंट स्टार्ट होता है नॉर्मलाइजेशन एंड वर्नर थ्योरी। अब जिन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलेगा वो पॉइंट होगा हमारा जनरल इंफॉर्मेशन भी, लाइक जैसे हम राइट कर रहे हैं होमोलेप्टिक एंड हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होता क्या है आपको इस पॉइंट पर जाए तो होमोलेप्टिक हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का आपका है। होमोलेप्टिक वाला नेम वर्ड देते हैं हम क्या, सिंपल कॉम्प्लेक्स, और दूसरे को वर्ड देते हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स के बाद, और इसे वर्ड देते हैं मेज कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल कॉम्प्लेक्स और मेज कॉम्प्लेक्स दो पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं। तो सिंपल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मेज कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसको चलते हैं। तो स्टूडेंट क्या करना, ए इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इफ इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेटल आयन सराउंडेड बाय सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स। सो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे, यहाँ पर बात कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन की बात करें तो होमोलेप्टिक बोलते क्या है, वापस मैं राइट कर रहा हूँ, ए इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इफ इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेटल आयन surrounded by same kind of ligands, surrounded by same kind of ligands is called simple or homoleptic कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका सिंपल होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एज एग्जांपल यह नाइन सीएन का होमोलेप्टिक चारों लिगेंड सिंगल है स्टूडेंट, क्लियर? लाइक पीपी ये शू का होल सिक्स फोर प्लस होमोलेप्टिक है, मतलब ये हो गया कि अगर मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल एंड ग्राउंड सिर्फ सेम काइंड के लिगेंड हो तो होमोलेप्टिक होते हैं। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेटल आयन सराउंडेड बाय सेम काइंड different kind of ligands then it is called heteroleptic
like example PT H2 carbon 4 H2 carbon 4 rice. What else? Light Ni NH3 carbon 2 rice H2 carbon 2 rice 2 plus. So student, agar complex compound mein metal ion more than one kind ke ligands attached hai to use hum kya word dete hain? Heterolytic complex ion or mixed complex compound. Or the same kind ke ligands attached hai to that is called homolytic or simple complex compound. Isse ki base for aur bhi points like jaise hum baat karenge coordination number. The number of covalent bond present around the metal ions is called coordination number. Coordination number. So coordination number coming in here. So coordination number like निकल सीएन का होल फोर टू माइनस मतलब यह निकल अटैच भी निकल मेटल है ना अटैच भी फोर क्वाड्रेंट बॉन्ड रीजन सराइड इज मोनोडेंटेड सो डोनेट वन के लिए कम सो इट्स क्वाड्रेंट नंबर इज बिकम फोर. तो मतलब ये लेकिन के टाइप और के नंबर पर डिपेंड करता है. मेन यहाँ पर हो गया देखो पीटी ओएक्स का होल थ्राइस राइट एंड हियर टू माइनस मतलब अब ये बाइनेटरी लिंक्स. एक बाइनेटरी मतलब कितना है दो पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. अब दो पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मतलब दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे. इसका मीनिंग इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी टोटल सिक्स. तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर सिक्स हो गए और कोऑर्डिनेशन नंबर दूसरा है यहाँ पर फोर हो गए. तो इन पॉइंट्स पर अगर हमसे आए स्टूडेंट तो ये हो गया जनरल इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन नंबर होमोलेक्टिक हेटरोलेक्टिक कॉम्प्लेक्स आयन. एंड देन आपका हम बात करेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर मोनोसेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन नंबर में डिफरेंस क्या है. सो हम बात करेंगे यहाँ पर coordination sphere. Coordination sphere की बात करें तो बोलते क्या है the number of ligands that directly attached with the directly attached with metal ion in complex is called coordination sphere. This is what they say coordination sphere. And then आपको coordination sphere की बात कर रहे हैं आपको तो जो direct attached हो अगला point है हमारा मोनोसेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. मोनोसेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तो मोनोसेंट्रिक का मीनिंग यहां पर क्या हो गया इफ अ सिंगल
metal ion present in complex compound is called monocentric complex, but if more than one metal ion present, so if more than one metal ion present in complex is called polycentric complex ion. तो लाइक जैसे हमने रखा के एम ओ फोर, यहां एक ही मेटल आया है, दैट इज मोनोसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स. नाउ हियर के टू सी आर टू ओ सेवन, दैट इज पॉलीसेंट्रिक. तो ये पॉलीसेंट्रिक हो गया और मोनोसेंट्रिक हो गया. तो मोनोसेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब दैट इज डिपेंड एट द टाइप ऑफ मेटल. सो मेटल आयन का मीनिंग क्या हो गया आपको, इसके बाद जाएंगे. तो मोनोसेंट्रिक पॉलीसेंट्रिक अभी हमने पढ़ा क्या क्या स्टूडेंट, होमोलेप्टिक हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आयन. होमोलेप्टिक मतलब अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल आयन एक ही टाइप के लिगेंड्स अटैच्ड बाय बॉन्डेड बॉन्ड तो उसे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. अगर एक से ज्यादा टाइप्स लेकिन सत्या से तो दैट इज कॉल्ड हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. तो एक से ज्यादा अगर टाइप ऑफ लिगेंड्स है तो हेटरोलेप्टिक और मिक्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. कोऑर्डिनेशन मतलब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल आयन से जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं अराउंड वही कोऑर्डिनेशन नंबर है. कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो लिगेंड डायरेक्ट अटैच होता है उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं हम, टाइप का मैटर नहीं करता. एंड देन यहां पर मोनोसेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक. तो मोनोसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिस कॉम्प्लेक्स में सेम मतलब कैसा एक ही मेटल आयन, एक ही मेटल आयन हो तो उसे हम बोलते हैं मोनोसेंट्रिक, और अगर एक से ज्यादा टाइप्स हैं तो दैट इज कॉल्ड पॉलीसेंट्रिक. तो मोनोसेंट्रिक पॉलीसेंट्रिक ये सब कॉम्प्लेक्स हो गए. तो इसमें मैं पॉइंट्स को आपको रिमाइंड करा देता हूँ आपको कि किन पॉइंट पर हमारा अभी डिस्कशन चला. तो पार्ट थर्ड अगर हम बात करें आपको तो हमें वर्नर थ्योरी पढ़ा, राइट. वर्नर थ्योरी क्या है, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो साइंटिस्ट अल्फ्रेड वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेबोरेटरी में फर्स्ट प्रिपेयर किया बाय टेकिंग कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया. कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को लेकर उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स बनाया उसकी फॉर्मेशन को सर्वेक्षण किया, जिसे हम कोऑर्डिनेशन थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेम से जानते हैं, फेमिलियर है उसे. देन होमोलेप्टिक हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, मोनोसेंट्रिक पॉलीसेंट्रिक, कोऑर्डिनेशन साइट एंड या कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं, और प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर. सो इन पॉइंट के साथ ये पार्ट में पॉइंट्स हमारा इंक्लूड हुआ. सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे जहां पर बात कर रहे थे नॉर्मल केसर और सारी चीजें. तो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर. सो स्टूडेंट यहाँ पर सारे पॉइंट्स हमने आपको रिमाइंड कराया कि जितने पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चला. अब हम बात करेंगे यहाँ पर जिन पॉइंट को, तो पार्ट फोर में आएंगे और पार्ट फोर में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आइसोमेरिज्म है टोटल. तो आइसोमेरिज्म भी इंक्लूडेड पार्ट है बोर्ड का, और उस आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हमें कुछ चीजों को पहले पढ़ के देखना पड़ेगा. जब भी आप वीडियो नंबर फोर देखेंगे आइसोमेरिज्म, तो हमें वीडियो फर्स्ट में जैसे हमने एम्बिडेंट लिगेंड बताया, तो एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं और प्लस केटानिक एनानिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, उनका मीनिंग आना चाहिए, राइट. वाटर एज ए लिगेंड अंदर है, काउंटर आयन के अबाउट से आना चाहिए, जैसे कोऑर्डिनेशन एंटिटीज अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है ब्रैकेट के अंदर के वो लिगेंड्स. तो यहाँ पर अगर हम क्या करें तो एक पॉइंट को वापस मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पर, एम्बिडेंट
लिगेंड्स। एमिनेंट लिगेंड्स क्या होते हैं? ये मोनोडेटेड लिगेंड्स होते हैं। मोनोडेटेड लिगेंड्स होते हैं जिसमें मोर देन वन एटम कंडीशन सेट रखता है। बोलते क्या है? द मोनोडेटेड लिगेंड्स दैट हैविंग मोर देन वन क्वाडेशन, द मोनोडेटेड लिगेंड्स in this more than one atom having quadration site is called amidate ligands। तो amidate ligand लेंगे जिससे NO2 हो गया, तो क्योंकि जरूरत हमें पड़ेगी isomerism में, यहाँ nitrogen करेगा तो एक बार कौन करता है? oxygen करता है, तो both is called amidate ligand। amidate मतलब two, दो क्वाडेशन सेट होंगे लाइक CNS एंड SCN। सेकेंड थर्ड साइनाइड साइनो एंड NC नाउ प्लस एंड माइनस। सो ये सब वर्ड हम जो क्लास कर रहे हैं ये सब ये है एमिडेंट लिगेंड्स। सो एमिडेंट लिगेंड द लिगेंड दैट हैविंग मोर देन वन क्वाडेशन सेट। सो स्टूडेंट आज पार्ट कार्ड में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट फोर में आ रहे हैं इन पॉइंट के साथ आइसोमेरिज्म। थैंक यू।